अगर आप भी केंद्र सरकार की तरफ से संचालित की जाने वाली फ्री राशन योजना का फायदा लेते हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। पिछले दिनों सरकार ने राशन कार्ड धारकों को नए साल का बड़ा तोहफा देते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को एक साल के लिए बढ़ाया था। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पहले 31 दिसंबर 2022 तक मुफ्त अनाज मिलना था, लेकिन अभी से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है। सरकार की इस योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को हर महीने मुफ्त अनाज मिलता है। केंद्र की तरफ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अप्रैल 2020 में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत कोरोना काल से ही 81.3 करोड़ लोग मुफ्त में अनाज ले रहे थे। इस योजना के तहत ऐसे लोगों को भी सरकार की तरफ से फ्री राशन मुहैया कराया जा रहा था जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। गरीब राशन कार्ड धारकों को ही अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त गेहूं चावल दिया जाएगा। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब इस योजना को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मर्ज कर दिया गया है। योजना के तहत खर्च होने वाले 2,00,000 करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र की तरफ से उठाया जाएगा। इसमें राज्यों से पैसे नहीं वसूले जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार गेहूं चावल और मोटा अनाज 1 से 3 रुपए प्रति किलो की रेट से उपलब्ध कराती है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि ये राशि दिसंबर 2023 तक कार्ड धारकों से नहीं वसूली जाएगी।